मित्रों जय श्री राम। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ आपका SY का सब्जेक्ट लेकर के मैनेजमेंट साइंस MGM 105। यह बुक 3 पार्ट में बटी हुई है। पहला पार्ट है मैनेजमेंट एंड इट्स नेचर, सेकंड है मैनेजमेंट डेवलपमेंट एंड फंक्शंस, एंड थर्ड इज मैनेजमेंट फंक्शंस। तो पहला मैनेजमेंट एंड इट्स नेचर, इसका मतलब होता है मैनेजमेंट क्या होता है और इसका नेचर क्या है। ठीक है, तो इसका नेचर मैं आपको बता देता हूँ, इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आपको आएंगे। पहला, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट या इसके फीचर्स क्या हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये क्वेश्चन इस बुक की जान है। ये सारी बुक जो है ना साइंस मैनेजमेंट साइंस के पीछे पूरे बुक का जो है पृष्ठभूमि तैयार, तो आपको इस पर पूरा फोकस रखना है। मैनेजमेंट केवल ध्यान में नहीं रखना है फर्स्ट ईयर की तरह, मैनेजमेंट साइंटिफिक है इस पर आपको ध्यान रखना है। तो पहला जो सब्जेक्ट, पहला बुक जो है इसी माध्यम से आएगा। दूसरा जो है डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, ध्यान रखना एडमिनिस्ट्रेशन अलग चीज़ होता है जो हाईर लेवल के द्वारा होता है, और ये थोड़ा लोअर के द्वारा भी मैनेजमेंट होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला आ सकता है टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेलर ने एक साइंटिफिक थियरी दी थी, और हेनरी फियोल का भी और एल्टन मायो का सिस्टम है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है लेकिन एग्जाम में आने के कम चांसेस हैं। तो क्या आएगा, आएगा प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये पढ़ लेना जो पेज नंबर 43 और 44 पर है। और अगला है चैप्टर 3 से फीचर्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक क्वेश्चन आएगा 5 मार्क। अगला है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, लेवल कितने होते हैं आपको पता है, 3 लेवल होते हैं, हायर लेवल, मिडल लेवल और लोअर लेवल। इन तीनों में से एक लेवल पक्का आएगा और लिख देना, चाहे मिडल लेवल आ जाए चाहे लोअर चाहे हायर। उसके बाद पेज नंबर 63 पर आएगा साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड रेशनलाइजेशन या ऑटोमेशन, इन तीनों में हो सकता है पूछ ले साइंटिफिक मैनेजमेंट और रेशनलाइजेशन के बीच में डिफरेंस प्राप्त दिखाओ, 5 मार्क में ये भी आ सकता है, या ऑटोमेशन के बीच। चलिए बुक 2 में चलते हैं। बुक 2 का नाम है आपका मैनेजमेंट डेवलपमेंट एंड फंक्शन, कंपनी में या मैनेजमेंट कैसे डेवलप करता है और डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए उसको आधार में रख करके आपको आंसर लिखना रहेगा। उसमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट क्या है, मैनेजमेंट डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स क्या है वो आपको लिखना पड़ेगा। अगला है मैनेजमेंट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, मैनेजमेंट में एजुकेशन और ट्रेनिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, इसको लेकर के एक क्वेश्चन आएगा। ट्रेनिंग में हो सकता है टाइप में पूछ ले ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ये जरूर आता है, इसमें से एक आएगा इस बार, इंपॉर्टेंट है। अगला है पेज नंबर 16 पर जाइए, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन में से कोई एक पूछेगा, 5 मार्क। आगे आते हैं पेज नंबर 12 पर, चैप्टर 5 के मैनेजमेंट फंक्शन प्लानिंग में, प्लानिंग का एक क्वेश्चन फिक्स है और उसमें से आएगा इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस एंड ओपन यूनिवर्सिटीज़ कैसे काम करती हैं, ये क्वेश्चन है। ओपन यूनिवर्सिटी में आपका YCMU है, इसको ही समझ करके YCMU को ही समझ करके आप एग्जाम में लिख देना, अच्छे मार्क मिल जाएंगे। अगला है क्वालिटी मैनेजमेंट, इससे एक क्वेश्चन फिक्स आएगा क्योंकि क्वालिटी मैनेजमेंट के बिना मैनेजमेंट साइंस काम नहीं कर सकता है। तो जस्ट इन टाइम और क्वालिटी सर्कल, ये जो है क्वालिटी मैनेजमेंट के दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जस्ट इन टाइम और क्वालिटी सर्कल, इसको आप याद कर लेना। पेज नंबर 20 पर आएगा ट्रेडिशनल मैनेजमेंट और जापानीज मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है, ये पढ़ लेना, इन दो में से कोई एक जरूर आएगा। ठीक है, अगला हम चलते हैं कंपोनेंट ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग में क्या होता है, चैप्टर 5 पे ही मैं अभी तक हूँ। कंपोनेंट ऑफ प्लानिंग में क्या होता है या प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्लानिंग क्यों करते हैं, अरे प्लानिंग इसलिए करते हैं ताकि हमें अच्छा रिजल्ट मिले, जल्दी रिजल्ट मिले, प्लान रिजल्ट मिले, एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग के फायदे क्या क्या हैं ये आपको लिखना है। अगला है स्टेप्स ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग कैसे करते हैं उसके स्टेप्स 1 by 1 क्या है, बुक में दिया गया है। चैप्टर नंबर 6 में प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, पेज नंबर 44 और 48 पर है। क्यों, क्योंकि बिना डिसीजन मेकिंग के कोई कंपनी चलती नहीं, इसलिए आपको डिसीजन मेकिंग को लेकर एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो आप एक पढ़ लेना कंसेप्ट उसका पढ़ लीजिए, उसके बाद इंपॉर्टेंस या टेक्निक्स आप लिख सकते हैं। चलिए बुक 3 में चलते हैं। बुक 3 का नाम है मैनेजमेंट फंक्शंस, मैनेजमेंट के फंक्शंस एंड डायरेक्शंस। पहला फंक्शन क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड उसके बाद कंट्रोल, ये सारे चीज फैक्टर्स ऑफ मैनेजमेंट हैं, ये आपके एग्जाम में इन चारों में से एक जरूर आता है। ठीक है, अगला डिपार्टमेंटेशन, कंपनी में डिपार्टमेंट कैसे बनते हैं वो है। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स क्या हैं, सिद्धांत क्या क्या, वो आप जरूर पढ़ लेना, एग्जाम में आता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर कितने तरह के होते हैं, लाइक लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, 11,000 या 17,000, हाँ, तो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इसमें 3-4 टाइप हैं, आपको पता है लाइन होता है, लाइन स्टाफ होता है, कमिटी होता है, तो लाइन स्टाफ और कमिटी ही पढ़िए, तीन में से एक फिक्स आ जाएगा, आप एग्जाम में लिख देना, पेज नंबर 24 पे है बुक 3 के। अगला है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है, जब हम अपनी जगह किसी और को अपनी अथॉरिटी या पोजीशन दे देते हैं या कोई कार्य सौंप देते हैं करने के लिए फॉर टाइम बीइंग, उसको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहते हैं, पेज नंबर 37 जरूर पढ़ना, जरूर आएगा। अगला फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप को लेकर के 1-2 क्वेश्चन जरूर आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।
अगला आएगा मैकग्रेगर्स एक्स और वाई थियरी, इसमें से एक थियरी आ सकती है लेकिन चांसेस कम है। उसके बाद मैस्लोज नीड थियरी आएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगला आएगा इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशन, ह्यूमन रिलेशन एक दूसरे से, कंपनी में एक दूसरे से अगर हम रिलेशन नहीं रखेंगे कंपनी चलेगी नहीं ज़्यादा दिन तक। और अगला है टाइप्स ऑफ कंट्रोल, कंट्रोलिंग किसे कहते हैं मैनेजमेंट में, कंट्रोल का क्या इंपॉर्टेंस है। मित्रों आप मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि आपको इसी अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा वीडियो आपको मिलता रहेगा, और आप अपने मित्रों के वीडियो फॉरवर्ड करते रहिए ताकि आप सभी का भला हो सके, आप सभी को फायदा हो सके। मित्रों आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, एग्जाम पूरा लिखना, कम से कम एक पेज लिखना, 5 मार्क का क्वेश्चन रहे तो भी कम से कम एक पेज लिखना, अच्छी राइटिंग में लिखिए, एग्जामिनर के ऊपर इंप्रेशन बनाइए, ठीक है। और अगर बुक 3 नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कम से कम बुक 1 और 2 अच्छे से पढ़िए, फुल मार्क्स मिलेगा 80 out of 80। मराठी माध्यम और इंग्लिश माध्यम सभी को मेरी शुभकामनाएं, सभी के लिए क्वेश्चन सेम है, आप ध्यान से पढ़िए। जय श्री राम।